शिमला जिला के रामपुर के समीप दत्तनगर में नशा छोड़ो खेल खेलो स्लोगन के साथ जिला स्तरीय वरिष्ठ पुरुष एवं महिला वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ SJVN के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक सुरीन और लुहरी परियोजना के AGM बलजीत ने किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न हिस्सों से 15 पुरुष व 10 महिला वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब दत्तनगर के सौजन्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन का मुख्य मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है और उन्हें खेलों के प्रति आकर्षित करना है, ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ खेलों में बेहतर कैरियर बन सके। दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब के प्रवक्ता विनोद नेगी ने बताया कि क्लब की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहां से खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। चलो, मैं विनोद नेगी, प्रवक्ता दत्तात्रेय स्पोर्ट्स क्लब। तो आज हमारा शिमला जिले का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट शुरू हो गया है वैन मूवमेंट्स का, और इसके बाद जो जो ये मैच है, इसके बाद यहाँ से सिलेक्शन होके जो हमारी टीम बनेगी वो राजगढ़ में जो 62वीं राज्य स्तरीय चैंपियनशिप होगी वहाँ इसमें भाग लेगी। तो इस तरह के खेलों के आयोजन का मुख्य मकसद क्या है? इस तरह का ये एक एसोसिएशन का मैच है, इसमें जो हमारे युवा है इसमें जूनियर सीनियर इस लेवल का होता है, ये एक सीनियर लेवल का मैच है। यहाँ से वो राजगढ़ सिलेक्ट होके जाएंगे, उसके बाद सीनियर नेशनल में खेलेंगे। वॉलीबॉल एसोसिएशन के जिला महासचिव यशविंदर ठाकुर ने बताया कि नशा छोड़ो खेल खेलो स्लोगन के लिए जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष वर्ग की वरिष्ठ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 15 पुरुष और 10 महिलाओं की टीमें हिस्सा ले रही हैं, और यहीं से ही राज्य स्तरीय टीम का भी चयन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पे यशविंदर ठाकुर जी को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, और उन्हीं की देख रेख में यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, एक यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है युवा के बीच, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। जो आजकल नशे की चपेट में जो युवा है उसको देखकर, और यहाँ से जो युवा निकलेंगे वो राजगढ़ के लिए 17 तारीख को वहाँ पे उन्हें मौका दिया जाएगा नेशनल लेवल के लिए खेलने के लिए। धन्यवाद। के विषय में कहना चाहूँगा, जो ये हमारी प्रतियोगिता हो रही है, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन हम यहाँ पे करवा रहे हैं, शिविर खेल परिसर में करवा रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो नशा छोड़ो खेल खेलो की है, इसका जो स्लोगन हमने दिया हुआ है। हमारा सबसे इसके पीछे हमारा यही लक्ष्य है कि जो युवा हमारे साथ युवा आज की पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर है, उनको हमने किसी न किसी माध्यम से या ग्राउंड के माध्यम से, जो भी स्पोर्ट के माध्यम से, हमने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है, ताकि वो खेल कूद में अपना नाम कमाए सब कुछ, और नशे की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान ना जाए। और जो ये प्रतियोगिता के बारे में मैं आपको बताऊं, ये प्रतियोगिता डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के टूर्नामेंट्स यहाँ पे होंगे, जिसमें लगभग 15 से 20 टीमें मेंस में और वुमेंस की 5 से 10 टीमें भाग लेगी। जो अब हमारी अपकमिंग टूर्नामेंट जो राजगढ़ में होगा 18 से 20, उसके लिए यहाँ से टीम चयनित की जाएगी मेंस और वुमेंस दोनों कैटेगरी की। और हम यहाँ के एसजी विनल का भी हार्दिक